बढ़ते हैं आगे। पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने पलवल में सीआईए पुलिस स्टेशन के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। बता दें कि सीआईए पुलिस स्टेशन का निर्माण हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने 1,50,00,000 रुपये की लागत से किया। इस भवन का निर्माण कार्य 16 महीने की अवधि में पूरा किया गया है। 1.5 एकड़ में बने इस पुलिस स्टेशन में सभी तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। हरियाणा पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने कहा है कि हरियाणा पुलिस में स्टाफ की कमी है और स्टाफ की कमी को देखते हुए 7,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती दिसंबर महीने से शुरू कर दी जाएगी। केएमपी और केजीपी एक्सप्रेस वे पर पुलिस थाना बनाने के लिए जगह की नोटिफिकेशन की जा रही है, उसके बाद पुलिस थाने बना दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को दूर करने के लिए और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। कि हरियाणा पुलिस में स्टाफ की कमी है, 7,500 लोगों की भर्ती अगले महीने से दिसंबर से शुरू हो रही है। पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती कर रहे हैं 400 मेल और 63 फीमेल सब इंस्पेक्टर भर्ती कर रहे हैं 463 और 7,200 के करीब सिपाही भर्ती कर रहे हैं सर, जो कि जनवरी के महीने तक जो है वो भर्ती हो जाएंगे। तो वो जो 7,500 आदमी भर्ती हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो जो कमी है यहाँ पे पुलिस को, यहाँ नहीं सब जिलों में कईयों में कमी है, तो उसकी कमी पूरी हो जाएगी। गाड़ियाँ भी हम करीब 800 के करीब नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं पुलिस स्टेशन में, दो नई गाड़ियाँ डीसीआर की दे रहे हैं।